खरगोन जिले में रेत खदान का ठेका हो चुका है, इसके बाद भी अवैध खनन का कार्य लगातार जारी है। इसमें माइनिंग विभाग के कर्मचारियों की लिप्तता की बात भी कही जा रही है। खरगोन जिले मांगलू, डांडा, बरोड, उमरखली, पेनपुर सहित ग्रामीण अंचलों में रेत माफिया धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं, नदियों को छलनी कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन को जगाने का कार्य किया है। रेत माफिया लगातार खनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। रेत खनन मामले को लेकर जब खनन अधिकारी जानना चाहा तो वह हमेशा की तरह पुराना अपना राग अलाप कर मीडिया को असंतुष्ट जवाब देकर अपना नामन बचाकर निकल गए। जिला स्तरीय त्रैमासिक बैठक में आए सांसद गजेंद्र पटेल को जब मीडिया ने मामले में अवगत कराया तो उन्होंने मामले की जाँच करके संबंधित अधिकारी का उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। को लेकर भी खनन हो रहा है, टोकन दिए जा रहा है, लाखों की रॉयल्टी चोरी हो रही है। मुझे लगता है कि हमारे ज़िले में रेत का ठेका हो गया है और रेत के ठेकेदार ने अपनी प्रक्रिया शुरू करी है और वो रेत का अवैध परिवहन ना हो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि लीगल हो, जो सरकार ने जो मापदंड तय किए ठेकेदार के हिसाब से, टेंडर के हिसाब से, उस हिसाब से रॉयल्टी देगा। रेत माफिया द्वारा जो अवैध रेत खनन किया जा रहा है जिसको लेकर आए दिन ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है, आमने सामने जो पथराव तक की स्थिति बन रही है। बीते दिनों कसावत के समीप भी हुआ था, माइनिंग अधिकारी को मांगरूल में भी हुआ था विवाद। आपके माध्यम से विषय ध्यान में है, मुझे लगता है कि अवैध उत्खनन होना नहीं चाहिए और जो सरकार ने जो चिन्हित की है जगह रेत के लिए वहीं से उत्खनन होना चाहिए। बाकी इस प्रकार की घटना ध्यान में आती है तो हम संबंधित अधिकारी के साथ में इस विषय पर ध्यान भी देंगे और किसी प्रकार का अवैध उत्खनन न हो। मीडिया द्वारा अधिकारियों को सूचित करने पर वहाँ मौके पे पहुँचते नहीं है और उससे पहले मतलब उन तक सूचना पहुँच जाती है कि अधिकारी आ रहे तो वो डंफर और जेसीबी लेके भाग जाते हैं, ये तक सामने आ रहा है। मीडिया तो देश का चौथा स्तंभ है, अगर सही काम होता तो उसको दिखाने का काम भी और गलत काम को दिखाने का काम है। मैं निश्चित तौर पर अधिकारियों को निर्देश देता हूँ कि आपके द्वारा जो भी विषय आते हैं उसको गंभीरता से लें और तुरंत उस पर कार्रवाई करें, ये निर्देश जारी करें। अगर वो सिवा कर दिया और उनको 25 दी है और वो अगर उत्खनन किया तो अवैध हो जाएगा। आप बोल रहे, आप मुझे बताइए कि कहां हुआ है। मांगरूल है, पेंटपुर है, वहीं की तो बात कर रहे हैं। बोलने से नहीं, आपने बोल दिया उसने किया है तो मैं वहां जाकर आपको फोन किया था। नहीं ठीक है, आपने बोला पेंटपुर में, अब वहां जाके ठेकेदार के नाम पे प्रकरण बना दूंगा। नहीं, दृष्टांत दिया आपका, मांगरूल तो चेक करते ना सर। मांगरूल, चलो मांगरूल मैंने चेक कर लिया जी, तो वहाँ पर अगर मैं उस समय कोई अवैध उत्खनन करते हुए नहीं मिला तो मैं कैसे किसी को जिन्होंने किया है सर, जिन्होंने पहले वहाँ कर चुके हैं तो पहले, क्योंकि सालों से खदारे चली हुई है। पर मतलब क्योंकि मैं मौके पे जब तक किसी के बोलने पे मैं किसी को आरोपी बना नहीं सकता हूँ। स्पॉट पे अगर किसी को, जैसी भी चल रही थी मौके पे हमको देख के भाग गए, वो तो आप कर सकते हो ना सर कार्रवाई, वो जैसी वो कर सकते, जैसे हमको सूचना मिलेगी मेरे फील्ड के ऑफिसर को बोलूंगा भाई आप तत्काल जाइए उसको जांच कीजिए। सर जहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पर सीमांकन नहीं है, जहाँ खदान नहीं है, अब उस रेत का क्या करेंगे आप? अगर स्टॉक हो गया है, अगर उसका वो, अगर उसको कोई ये नहीं बोलता कि मैंने नहीं किया, अगर वो अनोर है तो उसको हम जब्त करके रासात करके खनिज निगम को उसको हम लोग नीलामी के लिए वापस दे देंगे। सर मोहना, पेंपुर, उमरखली यहाँ पर सभी जगह सब सब स्टॉक कर रखा है सर। ठीक है, कितनी जब्त होगी रेत वहाँ पर? कल संडे को कर लेते हैं। उत्खनन हो रहा है, मशीनें चार चार पाँच पाँच मशीनें मोहना वजह से हो रही है सर। इसमें जैसे जैसे हमको शिकायत मिलती है, हमारे जो सिबित हमारा स्टाफ है वो उनको जो जो क्षेत्र इंस्पेक्टर दिया वो सतत मतलब की शिकायत मिलने पर उनको कार्रवाई करते हैं। क्योंकि मेरी बात सुनिए, क्योंकि क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो इंस्पेक्टर है, उनके पास सिर्फ पर्टिकुलर एक तहसील है, उनके पास मतलब उनको बराबर डिवाइड किया है, तो कभी ऐसा हो जाता है कि कभी जैसे दोनों फील्ड में हुआ और इस शिकायत में नहीं आ पाए, पर नॉर्मली अगर वो जब फ्री रहते तो वो चले जाते हैं। मांगरूल कर सकते क्या ठेकेदार? रात में जैसे भी टाइप का ऐसा कोई कुछ कहीं पे नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, उसमें ये रात दिन का ऐसा कोई टाइम नहीं है कि रात मतलब खदानों में सर मशीन का उपयोग किया जा सकता है। मेन सवाल ये है कि मशीन का उपयोग हो सकता है, वो उनकी पर्यावरण की एनओसी में नॉर्मली नर्मदा में मशीनों का प्रयोग नहीं होता है, नर्मदा रिवर में। दूसरी जगह पे अगर जैसे जहाँ पर खोदू भरू है जहाँ तक मुझे पता है कि उस पर दे सकते हैं उनकी एलओसी, जैसे आपने मुझे बोला था एलओसी, क्योंकि एलओसी की लिस्ट नहीं है हमारे पास है ना, तो मैं उसको इंडिविजुअल निकालना है, तो कल परसों टीएल है तो परसों में आपको वो लिस्ट भी दे दूंगा किसमें क्या क्या किया, किसको मैकेनाइज किया है, किसको सेमी मैकेनाइज है, किसमें नहीं है, मशीन में कहाँ यूज हो रहा है, वो भी मैं आपको उसकी बता दूंगा, क्योंकि उसकी लिस्ट हमारे, क्योंकि वो इंडिविजुअल फाइल से ले रहे, क्योंकि जो रेत खदान है
उसकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम लोग संधारित नहीं करते हैं, क्योंकि ये खनिज क्योंकि खनिज विभाग ने इसको पूरी हैंड ओवर कर दिए खनिज विकास निगम को, उन्होंने ही नीलाम करी, उन्होंने ही उनको सब सारी मॉनिटरिंग, हम लोग सिर्फ अवैध उत्खनन परिवहन को देखते हैं, बाकी पूरा डॉक्यूमेंटेशन उनके पास है, वहाँ से हमारे पास कॉपी वो भिजवाते हैं तो आती है उसमें देख। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।